स्वतंत्रता दिवस के दिन शराबबंदी होने के बावजूद एक अवैध शराब विक्रेता के घर पर पुलिस ने छापा मारा। आरोपी सुशील जवाहर अग्रवाल रमना मारुति नगर प्लॉट नंबर 29 ब्लॉक नंबर ए आरती डेयरी के पीछे नंदनवन निवासी के घर से 81 बोतल विदेशी शराब सहित करीब 18,000 रुपए का माल जब्त किया गया। आरोपी सुशील अग्रवाल शराब की तस्करी में लिप्त बताया जाता है। इसके साथ तस्करी में और कौन आरोपी शामिल है, इसके साथ ही आरोपी को इतनी बड़ी मात्रा में किसने शराब बेची है और यह माल उसके घर तक किस वाहन से पहुंचाया गया, इसके बारे में नंदनवन पुलिस खोजबीन कर रहा है। सूत्र बताते हैं कि आरोपी के पास जब पुलिस कर्मी पहुंचा तो उसे ग्राहक समझकर आरोपी पूछ बैठा कि दारू चाहिए क्या। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नंदनवन थाने की हवलदार संदीप गुंडलवार को गत 15 अगस्त को गुप्त सूचना मिली कि नंदनवन में आरोपी सुशील जायसवाल अवैध तरीके से विदेशी शराब बेच रहा है। नंदनवन ने थानेदार किशोर नगराले के नेतृत्व में पुलिस दस्ते ने आरोपी के घर पर दबिश दी। आरोपी के घर से 15,000 रुपए की 81 बोतल विदेशी शराब, शराब बिक्री के नगदी 3,630 रुपए जब्त किए। नंदनवन थाने के उपनिरीक्षक दिलीप रहाटे, हवलदार संदीप गुंडलवार, अनिल धनोले व अन्य ने कार्रवाई की। पंधरा वेळा स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त दारूबंदी असताना पुलिस नंदनवरचे SP गुंडलवार, NPC चंद्रशेखर, PC स्वप्न, NPC आशिष हे पेट्रोलिंग करीत असताना त्यांना गुप्त माहिती मिळाली की रमणा मारुती परिसरातील सुशील मनोहर जयस्वाल म्हणजे 45 वर्ष राहणार रमणा मारुती याच्याकडे मद्याचा अर्ध साठा आहे। या माहितीवरून त्यांनी सध्या ठिकाणी रेड केली असता त्याच्याकडे विदेशी दारू RS कंपनीची 81 लीक व दारू विक्रीचे 3,630 18,200 मुद्देमाल त्याच्याकडे मिळून आला। त्याच्यावर दारूबंदी कायद्याप्रमाणे कारवाई केली पाहिजे। याआधी सुद्धा त्याच्यावर दारूबंदीचा एक गुन्हा दाखल आहे। अजून काय काम धंदे करतो, काय सांगताय? हा एका दारूच्या दुकानात काम करतो। त्यांनी माल कुठून आणला होता आणि बंदी दिवस विकत होता सर? सदर बाबत आम्ही त्याचा PCR घेऊन तपास करण्याचा प्रयत्न केला असता मान्य नारायण त्याचा PCR नाकारला, त्यामुळे पुढील तपास करणं सुरू आहे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपुर।